हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं सेवेंथ क्लास की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज है 8.3। क्वेश्चन है हमारा पहला, पहले का पहला क्वेश्चन जो था वो मैंने करा दिया था। आज है हमारा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो पढ़ देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्रय विक्रय के निम्न सौदे में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि और प्रतिशत लाभ भी ज्ञात कीजिए। मतलब हमें लाभ हो रहा हो या हानि हो रही है वो तो ज्ञात करना ही है, साथ ही हमको प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि भी ज्ञात करनी है, ठीक है। ग्रुप में ऐड होना है तो ये फॉलो कर लीजिए, साइंस पढ़नी है तो यहाँ चले जाइए। क्वेश्चन जो है दूसरा ये कह रहा है, एक रेफ्रिजरेटर कितने रुपये में ख़रीदा गया? 12,000 रुपये में, ठीक है। उसके बेस दिया गया है 13,500 रुपये में, ठीक है। इतने में बेच दिया गया, अब हमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है वो हमें बताना है, ठीक है। तो ये है हमारा पहले का बी वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, एक रेफ्रिजरेटर, ठीक है। आपको रेफ्रिजरेटर तो पता ही होगा क्या होता है, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज, ठीक है। का क्रय मूल्य, तो ये जो इन्होंने बताया है 12,000 रुपये बताया है। फिर इन्होंने कहा है रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य, ठीक है। कौन सा मूल्य? विक्रय मूल्य, वो इन्होंने कहा है 13,500 रुपये है, ठीक है। इतना क्रय इतना विक्रय। अब भाई बताइए, विक्रय मूल्य ज़्यादा है कि क्रय मूल्य ज़्यादा है? तो आप कहेंगे कि विक्रय मूल्य जो है वो ज़्यादा है। तो विक्रय मूल्य अगर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होगा? तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होने का मतलब है कि हमें लाभ होगा। अगर क्रय मूल्य ज़्यादा हो तो हमें हानि होगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि विक्रय मूल्य जो है वो हमारा ज़्यादा है, किससे? क्रय मूल्य से, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए क्या होगा? इसलिए लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। क्रय मूल्य ज़्यादा है तो क्या होगा? लाभ होगा। तो हमें क्या निकाल देना है? लाभ निकाल देना है। तो लाभ कैसे निकलता है? कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य जो है वो है हमारा 13,500 और क्रय मूल्य है वो है 12,000, ठीक है। घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, पाँच में से जीरो गया पाँच, 13 में से 12 गया एक। तो लाभ कितने का हुआ? 1,500 रुपये का, मतलब 1,500 रुपये का हमें क्या हुआ? लाभ हुआ। लाभ हुआ 1,500 रुपये का। अब हमको क्या करना है? अब हमें निकालना है प्रतिशत लाभ, मतलब ये जो लाभ हुआ है प्रतिशत में कितना है। तो कुछ नहीं, हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो है लाभ बटे क्रय मूल्य, ठीक है। और ये जो लाभ होता है वो हमारा क्रय मूल्य पे होता है, ठीक है। क्रय मूल्य और गुणे में हमारा 100, लाभ आया है 1,500, ठीक है। 5 जो है थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और क्रय मूल्य जो है वो है 12,000 और गुणे में हमारा 100। 1, 2, 3, 3 जीरो कटे तो ऊपर के भी 3 जीरो काटने होंगे, 1, 2, 3 ऊपर के भी 3 जीरो काट दिए। ऊपर है 150 और नीचे है 12, ठीक है, ये है हमारा। तो हम यहाँ पे ये लिख लेते, चाहे तो हम 3 से काट भी सकते हैं, 3 चक्कू 12, ठीक है, और 3 5 15 और जीरो लगा दिया। अब हमारे पास ये आ गया 50/4, ठीक है। अब हम इसको 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 5 10। अब हमारा क्या आ गया है? 25/2, 25/2 प्रतिशत आया है। इस तरीके से आंसर लिख दोगे, नंबर तो आपको मिल जाएंगे, पर इस आंसर को आप और अच्छे तरीके से लिख सकते हो। कैसे? 2 को आप भाग करिए 25 से, भाग करते हैं, 2 1 कम 2 कट गया, 5 उतारा, 2 2 नी 4
ठीक है, एक बचा दशमलव लगाया, ठीक है, दशमलव लगाया तो जीरो बढ़ गया, दो पंचे दस, दस पूरा पूरा कट गया, मतलब हमारा क्या आ गया, ये आ गया बारह दशमलव, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 12.5%, मतलब 12.5% का उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, शेयर करना भी नहीं भूलना है, इन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लेना, ये सब आपका ही काम है, ठीक है। और आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, ठीक है, ये काम आप कर लेना।